क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज दोपहर करीब 12:15 बजे के आसपास में मुमरा बाईपास रशीद कंपाउंड के पास ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ था। दरअसल जो जानकारी मिली, उस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो है वो यहाँ से देखेंगे आप कि ये जो ऊपर से ब्रिज उतरी है, इस ब्रिज से उतरते वक्त और बताया जा रहा है उसका ट्रक का जो है पहिया जो है वो फट गया और देखेंगे डिवाइडर वाइड तोड़ते हुए वो, और वहाँ से ट्रक का जो है ट्रक जो है वो इस लाइन पर आ गया और यहाँ से एक टेम्पो जा रहा था, उस टेम्पो को टक्कर मारते हुए यहाँ से जो है ये टेम्पो और ट्रक दोनों जो है नीचे की तरफ गिरा और काफ़ी भयानक हादसा था। इस हादसे में जो है बता दें आपको कि एक 70 साल के बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है लाल अहमद सैयद, इनकी मौत हो गई है, जो देवरी पाड़ा अंजार वाला में रहते थे। इसके अलावा एक साइकिल सवार व्यक्ति था जिसकी उम्र 30 साल, जाहिद अंसारी बताया जा रहा है, इनका एक पैर जो है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी जख्म हुए हैं, पूरा पैर मानो जो है जो है कट चुका है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। ये भी जो है देवरी पाड़ा के रहने वाले जो है बताए जा रहे हैं, अल अशरफ अपार्टमेंट में ये रहते थे। इसकी एक CCTV फुटेज भी सामने आई, आपको बताएंगे कि सामने जो है नूरी वेला विस्ता है, वहाँ का एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें साइकिल सवार व्यक्ति जो है दिखाई दे रहा है कि वो साइकिल से आ रहा है और यहाँ ऊपर से जो है ट्रक ने जो है टेम्पो को टक्कर मारा, उसके बाद टेम्पो जो है डायरेक्ट उस साइकिल वाले के ऊपर गिरती है, उसके बाद ट्रक गिरता है। इस हादसे में जो है एक 70 साल के बुज़ुर्ग की मौत हो जाती है और वहीं जो है एक साइकिल सवार घायल होता है। जिनकी मौत हुई है उनका नाम लाल अहमद सैयद बताया जा रहा है, जो पैर जिसका डैमेज हुआ है पूरी तरीके से उनका नाम जाहिद अंसारी बताया जा रहा है। दोनों ही मुमरा रशीद कंपाउंड देवरी पाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि मुमरा बाईपास पर काफ़ी हादसा होता है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ पर सुरक्षा दीवार उठानी चाहिए, क्योंकि नीचे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट लगती थी। घटना के बाद से जो है सभी ठेला गाड़ी जो यहाँ लगाते थे उन लोगों को हटा दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर मार्केट लगती है, कांदा, बटाटा, प्याज, मच्छी ये सब यहाँ पर बेचा जाता है। और नीचे से ये बाईपास के नीचे से रास्ता है जो उस तरफ देवरी पाड़ा श्रीलंका के तरफ नीचे से बाईपास के नीचे से ही रास्ता जाता है। काफ़ी भीड़ होती है सुबह के वक्त यहाँ पर, और जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया जा रहा है 12:15 बज रहा था। हालांकि यहाँ पर पूरी मार्केट लगती है, बाज़ार लगता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार होनी चाहिए, अगर सुरक्षा दीवार होती यहाँ पर तो कम से कम जो ट्रक का पहिया फटा और उसके बाद ट्रक वाले ने टेम्पो को टक्कर मारा और दोनों गाड़ियां नीचे गिरी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया और इसके अलावा जो टेम्पो ड्राइवर था उसके साथ में एक और अन्य व्यक्ति था, ये दोनों भी घायल हैं जिनका इलाज मेडफोर्ड हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा एक 70 साल के बुज़ुर्ग लाल अहमद सैयद की मौत हुई है जबकि जाहिद अंसारी का पैर जो है वो कटा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर हादसे के बाद शासन प्रशासन के लोग पहुँचे और जो नीचे ट्रक और टेम्पो था उस दोनों को जो है क्रेन के मदद से यहाँ से हटाया गया, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जो है गुस्सा देखा जा रहा है और यही लोगों का कहना है कि ये जो एरिया है इस पूरे एरिए को जो है सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर या तो सुरक्षा दीवार खड़ी की जाए या तो जो बैरिकेड लोहे की लगाई जाती है वो लगाकर यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के जो है भयानक हादसे यहाँ पर ना हो और नीचे से जो आने जाने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका और जो घायल हुए हैं उनकी कितनी इंजरी हुई, उनका नाम क्या है? घायल हुआ उसका नाम है जाहिद अंसारी।
कैसे घायल हुआ, क्या हादसा जो हुआ था वहाँ पर? घर से निकला था, ब्रिज के नीचे से जा रहा था, ट्रक वाले ने ऊपर से गिरा, ट्रक नीचे से जा रहे थे, नीचे दब गया, पूरा फ्रैक्चर हो गया, सीरियस हो गया बहुत, अभी मामला बिल्कुल गंभीर है। वो क्या काम करते थे या कहाँ रहते? वेटर के काम करते थे, श्रीलंका में रहते थे। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसके रिश्तेदार लोग थे, बाकी सब गाँव में। पैर कौन सा डैमेज हुआ, लेफ्ट या राइट? ये तो देखने के बाद मालूम पड़ेगा, मैं बाहर हूँ। मतलब कितना डैमेज हुआ, वो कितना हुआ, कैसे हुआ? वो डैमेज तो पूरा ऐसा हो गया कि हड्डी उड्डी सब निकल चुका, समझो ना। अब पूरा सर पे भी लगा है, चेहरे पे भी लगा है, ब्लड की जरूरत है काफ़ी। डॉक्टर ने क्या बताया? ब्लड अभी चाहिए फौरी तौर पर, और उसके पूरा ट्रीटमेंट चालू है। बोलता है उम्मीद कम है, डॉक्टर बोले उम्मीद कम है। उनको टेम्पो से चोट लगी थी या ट्रक से? वहीं पे गिरे हुए थे, पब्लिक उसको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती किए, वो पूरा पेट के बल से पूरा गिर चुके थे पूरा। किसकी लापरवाही मानते हैं क्या? वो ट्रक वाले की, नीचे से जा रहा था अपने काम,